हाय, आज मैं फिर से आई हूँ मेरे किचन पे एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ। वो है प्रॉन्स मलाई करी, चिंगरी मलाई करी। बहुत इजी और सिंपल तरीके से बनाऊंगी, मेरे तरीके से बनाऊंगी। तो चलो मेरे किचन पे और मैं बनाती हूँ चिंगरी मलाई करी। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रॉन्स मलाई करी। बंगाली में इसको चिंगरी मलाई करी बोलते हैं। तो प्रॉन्स ले लिया मैंने खूब सारा। पहले मैं इसको मैरिनेट करूंगी। छोटे चम्मच के हाफ चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, हाफ चम्मच नमक डालूंगी। अभी हाथ से मैं अच्छे से कोट करूंगी हल्दी से और मस्टर्ड ऑयल से और नमक से फिश में। तो अच्छे से चारों तरफ मैंने सारे फिश के ऊपर हल्दी और मस्टर्ड ऑयल और नमक लगा लिया। अब मैं इसको ढक के रखती हूँ एक साइड में। तो जब तक फिश मैरिनेट हो रहा है, तब तक मैं एक कढ़ाई ले लिया। कढ़ाई में मैं डालूंगी दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तो ऑयल गरम हो चुका है अच्छे से। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना पड़ता है। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप लोग कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हो। तो अभी जो मेरे मैरिनेटेड फिश है, इसको मैं फ्राई करूंगी, एक एक करके करूंगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्राई करेंगे। दोनों तरफ को दो दो मिनट करके उलट पलट करके इसको फ्राई करेंगे। मैं गैस को लो फ्लेम में कर रही हूँ और फिश को उतर रही हूँ। सारे फिश को मैंने फ्राई कर लिया ऐसे दो मिनट करके दोनों तरफ। और एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर ये फिश आपको साफ करना नहीं आता घर पे, तो जिधर से आप खरीदोगे उधर आपको साफ किया हुआ मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो आप साफ करा के भी ला सकते हो, जैसे मैंने लिया। वही तेल पे जो गरम है ऑयल, उसमें मैं अभी डाल दूंगी दो टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, चार लौंग, एक चुटकी जीरा और तीन ग्रीन इलायची। तो जैसे सारे खारे मसाले मेरे फ्राई हो जाते हैं, मैं एक मीडियम साइज के ऑनियन को पेस्ट बना लिया मैंने, वो डाल दूंगी और मिक्स करूंगी। तो जब तक मेरे ऑनियन फ्राई हो जाएगा अच्छे से, तब तक मैं एक पेस्ट बनाऊंगी। 20 कली लहसुन की ले लिया मैंने और 3 कश्मीरी रेड चिली ले लिया अच्छे कलर के लिए, और 2 टमाटर को टुकड़ा टुकड़ा कर लिया, और 1 इंच 2 इंच के एक टुकड़ा अदरक को भी मैंने टुकड़ा टुकड़ा कर लिया। इन सब की मैं ये फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो ये बन चुका है मेरा पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑनियन के साथ। ऑनियन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया मैंने। अब मैं ये मिला देती हूँ और मिक्स करूंगी। मेरे सारे मसाला फ्राई होते होते मैं इसमें डालूंगी हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली कलर के लिए और ये तीखा के लिए, और मैं गरम मसाला पाउडर डालूंगी 1 चम्मच और हाफ चम्मच धनिया पाउडर। सारे पाउडर मसाला और पेस्ट को एक साथ मिक्स करूंगी। तो मसाला फ्राई होते ही मैं इसमें डालूंगी कोकोनट मिल्क। ये मैंने खुद घर पे बनाया कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क कैसे बनाया जाता है घर पे मैं बता देती हूँ। कोकोनट लेके आएंगे, हर जगह अवेलेबल होता है, उसको ऐसे कट के छील के लेंगे। छील के लेने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में 1 कप, अगर ऐसे टुकड़ा टुकड़ा आपने कोकोनट ले लिया तो उसमें 1 कप पानी डालेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में उसको अच्छे से पेस्ट बनाएंगे और उसको छान लेंगे, तो ऐसा मिल्क आ जाएगा। हाफ लीटर मिल्क लिया मैंने कोकोनट की। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1 कोकोनट मिल्क। और मिक्स करूंगी अच्छे से। तो मिक्स कर दिया अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक 1 चम्मच छोटे चम्मच की, यह है मामी वाला प्यार, नमक स्वाद अनुसार।
नमक डालने के बाद मिक्स कर दूंगी और फुल फ्लेम पे पहले इसको उबालने दूंगी अच्छे से। अभी मैं अच्छे से उबाला आ चुका है, 4-5 मिनट से पकाया मैंने अच्छे से। अब मैं फ्राई किया हुआ फिश जो है हमारा प्रॉन्स इसको डाल दूंगी। फिश डाल के ग्रेवी को अभी मैं 5 मिनट फुल फ्लेम पे उबालूंगी अच्छे से। 5 मिनट हो चुका है, एकदम अच्छे से उबाल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 साबुत ग्रीन चिली, अच्छा फ्लेवर देता है। और मैं डालूंगी ऊपर से हरा धनिया पत्ता फ्रेश, मिक्स करूंगी। तो हरा धनिया पत्ता डालने के बाद 2 मिनट मैं फुल फ्लेम पे पकाऊंगी और गैस बंद करूंगी और प्लेटिंग करूंगी। तो प्लेटिंग कर लिया मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निशिंग किया, सिंपल और इजी तरीके से भी प्लेटिंग किया। और आप लोग बनाओ ऐसे और राइस के साथ सर्व करो, खूब खाओ और खिलाओ। कमेंट में मुझे जरूर बताना कैसा लगा, और खाने के बाद जरूर कमेंट करना कैसा टेस्ट था। बहुत बढ़िया और यम्मी टेस्ट होता है इसका, और आप लोग जरूर बताना मुझे कमेंट में। मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।